bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum dear students nari malik is here to discuss with you from deems university multan students this is your lecture number five regarding your course technical and business writing and in today's lecture we will discuss technical reporting first we see what is technical report a technical report scientific report is a document that describes the process progress or result of technical or scientific research or the state of a technical or scientific research problem इट माइट ऑल्सो इनक्लूड रेकमेंडेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसल जो रिपोर्ट है वो क्या है टेक्निकल रिपोर्ट को हम साइंटिफिक रिपोर्ट भी कहते हैं और ये क्या होती है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बताता है कि आपकी जो रिसर्च है उसका प्रोसेस क्या है उसकी प्रोग्रेस क्या है उसके रिज़ल्ट क्या है यानी टेक्निकल रिपोर्ट का जो ताल्लुक़ है डायरेक्ट वो आपकी रिसर्च के साथ है कि आपने किन टॉपिक्स को जो है वो टैकल किया है और इस रिसर्च के प्रॉब्लम्स क्या थे और स्टेट ऑफ टेक्निकल या फिर साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह से उसको हैंडल किया गया है इट माइट आल्सो इंक्लूड रेकमेंडेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च कि आपकी जो रिसर्च थी उससे आपने क्या कंक्लूड किया है और नेक्स्ट आने वाले रिसर्चर के लिए आपकी क्या रेकमेंडेशन योर टेक्निकल रिपोर्ट आर साइंटिफिक रिपोर्ट Objectives. the objectives of a report identify exactly what information it covers. इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है आपकी रिपोर्ट राइटिंग का वो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना होता है फॉर होम इट इज रिटर्न एंड वाई इट शुड बी प्रोड्यूस्ड अब रिपोर्ट में आप बताते हैं कि ये किसके लिए है ये किसके लिए लिखी गई है और किसको इसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू द राइटर लॉन्ग बिफोर द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टार्ट्स अब ये वो सारी चीज़ें होती हैं जब आपका राइटर जो है वो टेक्निकल राइटिंग की तरफ जा रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी राइटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है वो किसके लिए लिख रहा है और किसको इसका फायदा पहुंचेगा इट इज हेल्पफुल टू पुट डाउन इन नोट फॉर्म द प्री साइज डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड टू चेक दीज डिटेल्स रेगुलरली एंड लास्ट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन अब आपकी टेक्निकल जो राइटिंग है वो इन तमाम अहम जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के हवाले से उनकी जितनी जो है आप ऐसे कर प्री साइज़ उसकी डिटेल हैं और चेक करने के लिए उन डिटेल्स को कि वो कौन सी प्रोडक्शन की कौन सी स्टेज पे हैं तो ये तमाम चीज़ें जो है वो टेक्निकल रिपोर्टिंग में ही आपकी मदद करती हैं

सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट में क्या होनी चाहिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपकी रिपोर्ट से रेलिवेंट है बॉर्डर लाइन इंफॉर्मेशन विच माइट बी यूजफुल टू सम रीडर्स आर विच माइट एम्प्लीफाई आर सब सब्सटैंशिएट अदर मोर इम्पोर्टेंट मटेरियल अब हो सकता है कि जो बॉर्डर लाइन आपकी इंफॉर्मेशन है वो किसी की कि, कुछ रीडर्स के लिए फ़ायदेमंद हो और उन तमाम इम्पॉर्टेंट मटेरियल को एम्प्लीफाई करे और ज़्यादा इन्हेंस कर दे इंफॉर्मेशन विच इज़ इंटरेस्टिंग आर नॉट टू द राइटर बट विच इज नॉट रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट अब इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरेस्टिंग है लेकिन वो राइटर के लिए अगर नहीं है या फिर आपके ऑब्जेक्टिव और रिपोर्ट से रेलिवेंट नहीं है तो आप उसको मत इंक्लूड करें वही बातें इंक्लूड करें जो आपकी रिपोर्ट से रेलिवेंट है आप अपनी पसंद और नापसंद का इसमें ख्याल ना रखें रूल्स ऑफ राइटिंग रिपोर्ट द रीडर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कीप द रिपोर्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल आपने इतनी शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है जितनी के पॉसिबल होल रेफरेंसेज शुड भी कुरेक्ट इन ऑल डिटेल जितने रेफरेंसेज हैं उनकी डिटेल लाजमी होनी चाहिए और वो कुरेक्ट भी होने चाहिए द राइटिंग शुड भी एकट राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए मुनासिब होनी चाहिए the right diagram with the right labels should be in reports and that are placed for the reader reports should be checked for technical errors and typing errors अब जब आप एक दफ़ा रिपोर्ट बना लेते हैं तो उसकी जो एरर्स हैं उसको भी आपने क्या करना होता है चेक करना होता है द रिपोर्ट शुड लुक एज गुड एज इट इज और आप कोशिश करें कि इतनी ही आपकी अच्छी रिपोर्ट बने जितनी की आप बना सकते हैं नाउ वी मूव टूअर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ टेक्निकल राइटिंग द फुलॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट कैन बी एज फॉलोज फर्स्ट देयर इज टाइटल पेज सेकेंड देर इज सामरी देन देयर इज टेबल ऑफ कंटेंट्स इंट्रोडक्शन प्रोसीजर और बॉडी टेक्स जो आपका होता है प्रोसीजर भी हम उसको कहते हैं और बॉडी टेक्स भी कहते हैं रेकमेंडेशंस रेकमेंडेशन रेफरेंसेस, अपेंडिक्स टाइटल पेज व्हाट वुड बी इंक्लूडेड ऑन टाइटल पेज द टाइटल पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट Which the reader will see in a proper manner. It should contain. अ first page जो है वो बहुत ही अहम होता है ठीक है और इसमें जो है वो कौन कौन सी चीजें include होती हैं फर्स्ट पेज जो है उस पर आपका टाइटल होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग का म आथर का नाम होना चाहिए कौन है इसको लिखने वाला द रिपोर्ट रेफरेंस नंबर एंड डेट इफ अले अवेलेबल आपके जो रेफरेंसेज हैं वो नंबर और डेट के साथ दिए जाने चाहिए द कंपनीज नेम एंड लोगो इफ डिजर्ट तो जिस कंपनी की तरफ से आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसका नाम और उसका लोगो भी आपने रिपोर्ट राइटिंग पर लगाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉपी राइट इफ नीड एंड नो मोर अगर कॉपी राइट स्टेटमेंट की जरूरत है तो वो भी आप दे सकते हैं देन देर इज समरी मर इज समरी नाउ वी फोकस ऑन समरी द समरी समटाइम्स रेफर टू एज द एग्जैकटिव समरी समरी को हम क्या कहते हैं एग्जैक्टिव समरी भी कहते हैं प्रोवाइड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ़ द सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट अब ये जो समरी होती है ये सब्सटेंस देती है या आपको ओवरव्यू देती है ऑफ योर होल रिपोर्ट राइटिंग आपकी जितनी भी रिपोर्ट राइटिंग है उसका ओवरव्यू हमें कहाँ से मिलता है फ्रॉम योर समरी यूजली नो मोर देन हाफ आ पेज समरी जो है आधे पेज से ज्यादा पेज पे नहीं होनी चाहिए इट इज नॉट एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक और समरी का मतलब हरगज नहीं होता कि यह आपका इंट्रोडक्शन है द समरी शूड आउटलाइन ऑल द की फीचर्स ऑफ योर रिपोर्ट समरी में वो तमाम फीचर आ जाने चाहिए जो कि नेक्स्ट आपने डिटेल के साथ बयान करने हैं

आइडिया uh, जो है वो हो जाता है स्टूडेंट्स को टेबल ऑफ कंटेंट्स। द कंटेंट पेज सेट्स आउट द सेक्शन एंड सब सेक्शन कंटेंट पेज में क्या होगा आपके सेक्शन बने हुए होंगे हिस्से बने हुए होंगे फिर उन हिस्सों के फिर हिस्से सब सेक्शन भी हो सकते हैं ऑफ द रिपोर्ट एंड दियर कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स ठीक है वो जो पहले पेज दिया गया है कॉलेज की तरफ से इदारे की तरफ से तो आपने क्या करना है उसी पे ही रिपोर्ट बनानी है इट शुड क्लियरली शो द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्शन एंड सेक्शन इस तरीके से आप सेक्शन को और सब सेक्शन को समझ सकते हैं रीडर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुड बी एबल टू लोकेट द अप्रोप्रिएट सेक्शन इजिली फ्राम द टेबल कंटेंट रीडर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसको जो है टेबल ऑफ कंटेंट देखना पड़ता है उसको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए उसको आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है नंबर सेक्शन बाय पॉइंट नंबरिंग सिस्टम अब डिसमल जो है वो आपको पता है के साथ ही होता है कि टेंथ वाले जो नंबर हैं उस सिस्टम के साथ अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है इंट्रोडक्शन आफ्टर सैमरी फर्स्ट इज टाइटल पेज देन इज जो सामरी एंड आफ्टर सेमरी देर इज इंट्रोडक्शन द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नीडिड फॉर द रेस्ट ऑफ योर रिपोर्ट टू बी अंडरस्टुंड जितनी भी उससे रेलिवेंट रिपोर्ट से बातें होती हैं मेटीरियल होता है वो आप इकट्ठा कर लेते हैं और फिर क्या है आप अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं इट इज यूजली हाफ टू थ्री इन लेंथ और इंट्रोडक्शन जो है वो कितना होना चाहिए या तो हाफ होना चाहिए या थ्री क्वार्टर होना चाहिए आपके पेज का इससे नहीं होना चाहिए द इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन में अब कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं द बैकग्राउंड टू द टॉपिक अब आपने टेक्निकल राइटिंग चूंकि आपकी रिसर्च से रेलिवेंट है तो रिसर्च के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है टॉपिक लेना होता है ताकि टॉपिक जब आप अपना डिसाइड कर लेते हैं तो फिर लेक्चर बनाने में भी आसानी होती है कि पहले आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ द प्रोजेक्ट क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट का एम क्या है बॉडी ऑफ रिपोर्ट दिस इज मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट ये जो है आपकी रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा है वे आर यू प्रजेंट योर वर्क यानी असल जो आपका स्ट्रक्चर होता है आप क्या पेश करना चाहते हैं वो आपका बॉडी होता है या प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर भी हम इसको कह सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ योर रिपोर्टिंग द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक्ट एज आ फ्रेम फॉर द बॉडी ऑनली अब जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो तो सिर्फ बॉडी के लिए एक फ्रेम वर्क देते हैं लेकिन असल चीज़ जो होती है वो आपकी बॉडी ऑफ रिपोर्ट होती है या उसका जो प्रोसीजर होता है देयर फॉर ऑल द डिटेल्स ऑफ योर वर्क मस्ट बी इंक्लूडेड हियर यानी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लाजमी तौर पर इंक्लूड होनी चाहिए द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड फॉलो लॉजिकली अब जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस प्रेजेंटेशन में उसको लॉजिकली जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत होती है सो दैट द रीडर कैन फॉलो द डिपार्टमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट ताकि जो आपकी प्रेजेंटेशन uh, है इंफॉर्मेशन की वो कहाँ से लॉजिकली उसको फॉलो होना चाहिए और जो रीडर है वो उसको फॉलो कर सकता है डिवेलपमेंट ऑफ़ योर प्रोजेक्ट क्योंकि आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट जो है वो क्या है मौजूद है तो इस तरह से आप डेवलपमेंट आपकी जो है उस प्रोजेक्ट के हवाले से वो ज्यादा बेहतर हो सकती है कंक्लूजन सेक्शन प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव एंडिंग टू रिपोर्ट क्योंकि ये आपकी एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो कंक्लूजन पे आके एंड हो जाती है इख्ताम पजीर हो जाती है दे मस्ट गिव समल इंसाइट इन टू द वैल्यू ऑफ़ योर वर्क इन जनरल एंड इनफॉर्म द रीडर ऑफ व्हाट द मेजर इंपैक्ट ऑफ योर वर्क इज़ अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो काम है उसको एक ऐसे समझ लें ओवरव्यू ले लेना है आपने अपने काम का कि आपने इसमें क्या क्या चीजें की हैं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ठीक है और इसी तरीके से रीडर के ऊपर आपकी इसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा तो ये सारे पॉइंट जो है वो कंक्लूजन में देखने पड़ते हैं रेफरेंसेस आ रेफरेंस शोज़ दैट इंफॉर्मेशन कम्स फ्राम एन अदर सोर्स एंड आल्सो गिवज़ द डिटेल ऑफ़ दि सोर्स अब देखें आपकी रिपोर्ट में जितने भी आपने हवाले दिए हैं रेफरेंसेज दिए हैं वो आपके जो है वो एंड पे भी शामिल होते हैं ठीक है अब उसकी बॉडी में तो आपने शामिल कर लिए बहुत सारे रेफरेंसेज ठीक है कि फ़्लां का जो है ये स्टेटमेंट था फ्लां ने जो है ये आर्गमेंट पेश किया इन फ़ेवर ऑफ़ योर टॉपिक आप जब आप बॉडी में इनका जिक्र करते हैं उसको मेंशन करते हैं तो फिर आपने उसका रेफरेंस भी देना होता है एट द एंड ऑफ योर रिपोर्ट उसके एंड पे आपने क्या करना होता है उसका रेफरेंस देना होता है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको किस ईयर में कहा गया था किसने कहा था और क्यों कहा, कहा था और कैसे कहा था जब ये सारे सवालात आपके जहन में होते हैं तो आपने क्या करना होता है एंड पे सिर्फ उसका रेफरेंस देना होता है दरमियान में जो है वो आपने बॉडी में उसकी डिटेल इंक्लूड करनी होती है और एंड पे जस्ट रेफरेंस देना होता है और उसके बुक का रेफरेंस है उसका ईयर का रेफरेंस है ठीक है या कोई आर्टिकल है उसका रेफरेंस है अपेंडिक्स Appendix contain material that is too uh, that is too detailed to include in the main report. अब देखें appendix जो है वो बहुत important part होता है. जो के क्या कर रहा है that is too detailed. अब ये detailed होता है ठीक है. इसको आपने include करना होता है आपनी main report में. Such as raw data or detailed drawing. अब अपेंडिक्स में आप क्या कर सकते हैं रॉ डेटा भी डाल सकते हैं और क्या है इसमें जो है वो डिटेल्ड वाला जो डेटा है ड्राइंग डेटा है वो भी डाल सकते हैं दैट इज़ क्वाइट अप टू यू यू ईच अपेंडिक्स मस्ट बी गिवन अ नंबर एंड टाइटल हर अपेंडिक्स का अपना एक टाइटल होना चाहिए और अपनी ही एक ताद होनी चाहिए Okay, dear students, this is today's lecture, and inshallah we will see next. Till then, Allah, peace.